यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाए प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पिछले अक्टूबर माह की 26 तारीख को डाल्टनगंज शहर के नवकेतन सिनेमा के पीछे डीआरडीए में अनुबंध पर कार्यरत अभियंता सुधीर कुमार रोशन हत्याकांड का पलामू पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन करते हुए कांड में शामिल अपराधकर्मी जितेंद्र कुमार सिंह व शैलेंद्र कुमार चंद्रवंशी उर्फ सैलू को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शैलेंद्र कुमार चंद्रवंशी उर्फ सैलू जिला परिषद सदस्य है। वहीं पुलिस द्वारा हत्या में प्रयुक्त एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार कुख्यात अपराधी जितेंद्र कुमार सिंह ने अपनी स्वीकारोक्ति बयान में कहा कि शैलेंद्र कुमार चंद्रवंशी रूप सैलू द्वारा इस कार्य के एवज में 50,000 रुपए के प्रलोभन दिए गए थे, जिसके बाद उसने इंजीनियर सुधीर कुमार रोशन की हत्या कर दी थी। इस कांड में नावाटोली निवासी वाल्मीकि राम के पुत्र आशीष कुमार उर्फ नमी का सहयोग लिया गया और घटना को आराम से अंजाम दे वे दोनों अपराधी मोटरसाइकिल से सिमर टांट चले गए। पुलिस अधीक्षक इंद्र माथा ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि गिरफ्तार अपराधी शैलेंद्र कुमार चंद्रवंशी रूप सैलू ही साजिश करता है और आपसी विवाद में ही घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि पुलिस के शिकंजे में आए अपराधी जितेंद्र ने ही विगत 3 अक्टूबर को एक फुटपाथी जूता चप्पल दुकानदार आयुष उर्फ शशि की हत्या गोली मारकर कर दी थी। अपराधी जितेंद्र ने आयुष उर्फ शशि की हत्या अपने सहपाठी चंदन कुमार के कहने पर ही किया था। श्री माता ने कहा कि इस कार्य के लिए चंदन ने उसे 10,000 रुपए भी दिया था। एसपी श्री माता ने कहा कि शूटर जितेंद्र पूर्व में भी सदर थाना से लूट एवं अपहरण कांड में जेल की हवा खा चुका है। पलामू के कार्यालय में अनुबंध के आधार पर जो इंजीनियर सुधीर कुमार रोशन का हत्या हुआ था उसका खुलासा कर लिया है। डीआईएसपी प्रेमनाथ के नेतृत्व में एक टीम बनी थी जिसमें इंस्पेक्टर टाउन और थाना प्रभारी टाउन थे। इन लोगों के नेतृत्व में जो टीम थी उसने अपने सबूतों के आधार पर जो है दो अपराध कर्मियों को जिसमें एक शैलेंद्र कुमार चंद्रवंशी उर्फ सैलू और दूसरा शूटर जितेंद्र कुमार सिंह इन दोनों को आज गिरफ्तार कर लिया है। शैलेंद्र कुमार सैलू ने ही इसकी हत्या की योजना बनवाई थी और जितेंद्र कुमार सिंह ने जो है इसके ऊपर गोली चलाई थी और इस कार्य में जितेंद्र कुमार सिंह को सहयोग दिया था नमी चंद्रवंशी उर्फ आशीष कुमार ने। तो इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद इस मामले का खुलासा हो गया है। इस मामले में जो हथियार का यूज हुआ था, जो देसी पिस्टल का यूज हुआ था, वह भी बरामद हुआ है। एक गोली भी बरामद हुई है और इसी हथियार से उसने सुधीर कुमार रोशन की हत्या की थी। अब यह अनुसंधान के अंतर्गत इसका जो हम लोग एफएसएल जांच भी कराएंगे। कारण क्या सामने आया? शैलेंद्र कुमार चंद्रवंशी का जो ससुराल है और उनकी पत्नी जो है वो निशा देवी, तो उनके साथ जो है सुधीर कुमार रोशन का जो है लगातार विवाद था। पहले भी एक अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण धारा के निवारण अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज हुआ था और उसी मामले को लेके शैलेंद्र कुमार चंद्रवंशी को ये लगता था कि ये इसके ससुराल वाले को, इसके पत्नी को लगातार जो है टॉन्ट करता है। उन लोग का एक ही जगह पर नाली को लेके भी विवाद था और सुधीर कुमार रोशन चूँकि डीआरडीए में काम करते थे, इनका अपना दोस्तों का जो एक ग्रुप था तो लगातार आना जाना भी इनके घर में होता था, तो इनको लगता था कि ये लोग को क्यों बुला रहे हैं और इस तरह से उनको लगता था हमेशा एक जो है कहीं ना कहीं परिवार के साथ जो विवाद था उनको लगता था कि इससे कहीं ना कहीं एक बदनामी भी शैलेंद्र कुमार चंद्रवंशी उर्फ सैलू को हो रही है। तो इसी के आधार पे जो है उसने नमी चंद्रवंशी और जितेंद्र कुमार सिंह को जो है इस मामले का जो है हत्या को अंजाम देने के लिए जो है संपर्क किया और इसके लिए उसने पैसे की भी बात की जो कि इसके स्वीकारोक्ति बयान से सामने आया है। 50,000 रुपये देने की भी बात की थी। शैलेंद्र कुमार चंद्रवंशी को प्रथम, चूँकि ये नामित अभियुक्त भी हैं इस घटना में, जब वादी के ये मृतक के पिता ने जब ये मामला दर्ज कराया तो शैलेंद्र कुमार चंद्रवंशी को नेम्ड अभियुक्त के रूप में हिरासत में लिया गया था, लेकिन उस समय गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत नहीं थे जिसके कारण से उस समय पर्सनल रिलीज बॉन्ड पर इनको छोड़ा गया। लेकिन जितेंद्र कुमार सिंह की गिरफ्तारी के बाद, हथियार की बरामदगी के बाद और उनकी पूरी तरह से जब इस घटना का हम लोगों ने पुनः
घटनास्थल का जब हम लोगों ने पुनर्संरचना किया और सबूतों को जुटाए तो शैलेंद्र कुमार चंद्रवंशी की भूमिका ही इसमें जो है पूरी तरह से जो है साजिशकर्ता के रूप में सामने आई है। तो इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।